एक नए इतिहास का साक्षी बना है। प्रदीप नरवाल दोबारा पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच चुके हैं। रोहित कुमार रेड में है, एक पॉइंट इनको पहले मिला है और ये एक और हो सकता है। पूरा स्टेडियम प्रदीप प्रदीप के नाम के नारे लगा रहा है। वो अब बेंच पर है, महिंदर ने बदला ले लिया है, अच्छा ब्लॉक उनका। अगर सुपर टैकल होता है तो बराबरी पर तो नहीं लेकिन बराबरी के नजदीक। दीपक नरवाल चार के डिफेंस में घिर जाएंगे लेकिन टाइम को पास किया। अब आएगा मजा, डू और डाई रेड है, रेडर को पॉइंट लेना है। पॉइंट नहीं मिला तो सुपर टैकल होगा। टर्न किया मंजीत का, टर्न बहुत काम आया उनके। जीत के सफर पे वापस लौटे। अब तक जितनी रेड हुई है दोनों टीम्स की तरफ से इस हाफ में, हर एक रेड में हर एक खिलाड़ी को पॉइंट मिला है। सुपर टैकल का मौका है, पटना आज दो सुपर टैकल कर चुकी है और ये एक और सुपर टैकल, दो पॉइंट पटना को। ये पांच पॉइंट्स पड़ रही है रोहित की। मुकाबले का समय नजदीक आ रहा है, मिड लाइन को क्रॉस कर गए बेंगलुरु बुल्स। तूफानी ऑल आउट हो गई पटना की टीम। बादल दे पिछले मुकाबलों की तुलना में आज बेहतर प्रदर्शन करते हुए, लेकिन यहां पर मंजीत ने कमाल कर दिया। क्या ये तूफानी सुपर रेड है? रिव्यू सक्सेसफुल, बोनस प्लस 2 पॉइंट्स पटना पैलेस को। 7 पॉइंट मिले हैं, 2 पॉइंट और मिले। तूफानी सुपर रेड, तूफान कुमार टक्करवाल आए हैं रेड पर और यहां पर एडवांस टैकल की कोशिश और वो भी कामयाब। पटना की डू ऑर डाई रेड है, अगर पॉइंट नहीं मिला तो मंजीत आउट होंगे, लेकिन अगर जल्दी आउट हो गए, जल्दी आउट हुए बुल्स लीड में। पवन को पता ही नहीं कि ये डू ऑर डाई रेड है। स्कोर एक पॉइंट उनके पक्ष में जरूर है लेकिन डू ऑर डाई रेड है, पॉइंट नहीं मिला तो मैच टाई हो जाएगा। पवन को पॉइंट लेना होगा तभी जीतेंगे। आखिरी रेड पर बुल्स ने मैच जीत लिया।